नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भयंकर से अति भयंकर तूफान ने तबाही मचा दी है। दोपहर के वक्त भी दोस्तों रात जैसा नजारा हो गया है। झमाझम बारिश के साथ में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। बताया जा रहा कि क्रिकेट की बॉल के आकार के ओले गिरे हैं। रोचक की बात यह है कि जहां जहां अंधेरा छा गया था उन इलाकों में दोपहर के वक्त लोगों को अपने वाहनों की लाइट दोस्तों जलानी पड़ी है। आजाद नगर में रहने वाले कारोबारी विभोर गुप्ता ने बताया है कि शहर में हम लोग धूप गर्मी और लू से परेशान थे। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मौसम दोपहर 2:45 के आसपास बना था। आसमान में अंधेरा इस कदर छा गया कि मानो घंटाघर इलाके के इस समय रात के लगभग 8 बज गए हों। जबकि यशोदा नगर के आगे कुछ हिस्सों में भयंकर ओले गिरे हैं। बता दें कि बॉल के आकार के दोस्तों ओले गिरे हैं, जिसके चलते सैकड़ों पशु पक्षियों की मौत हो गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त, पिछले कई दिन से भारी भयंकर आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन आज लखनऊ और उससे सटे कानपुर समेत 15 शहरों में भारी भयंकर बारिश आंधी तूफान चला है। सबसे ज्यादा नुकसान कानपुर के अंदर देखने को मिला है, जहां दोस्तों भयंकर ओले गिरे हैं, तेज रफ्तार से आंधी तूफान चला है। दिन के समय रात हो गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और मौसम विभाग ने 28 अप्रैल तक लगभग 42 जिलों में भारी भयंकर बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। उधर इस तूफान के चलते असम के तिनसुकिया के अंदर कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग 41,000 से ज्यादा लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के अंदर भयंकर वज्रपात हुआ है, वहां 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस समय मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अंदर भारी भयंकर आंधी तूफान और वज्रपात के साथ में जबरदस्त ओले गिर रहे हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। एक बार फिर से दोस्तों नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों में 28 अप्रैल तक अलर्ट जारी कर दिया है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, पेड़ों के नीचे खड़े ना रहें। वर्तमान में आपके जिले का मौसम कैसा है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।